कंपनी के फरार आरोपी को इंदौर एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एसपी एसटीएफ पद्म विलोचन शुक्ला ने बताया गया कि फर्जी एडवाइजर कंपनी के द्वारा सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर होने का विश्वास दिलाते हुए तथा 12% से अधिक मासिक ब्याज देने के नाम पर मात्र 6 महीने की अवधि में देश भर के लोगों के साथ 1,16,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करती एसटीएफ टीम द्वारा गत अक्टूबर में इसी प्रकरण में 2 आरोपियों शालिनी मेहरा उर्फ कामिनी सोनी एवं युवराज उर्फ अंकित पाटीदार को भोपाल के श्रीराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राउटर एवं अन्य ग्रामीण जब्त की गई एवं अन्य सामग्री जब्त की गई थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डॉक्टर अशोक अवस्थी साहब के मार्गदर्शन में सेबी से जो संस्था अपंजीकृत है एडवाइजरी कंपनी उसके खिलाफ एक शिकायत जांच हमारे यहाँ की जा रही है। इस शिकायत जांच के आधार पर एसटीएफ थाने में अपराध क्रमांक 19/19 कायम हुआ था। इस अपराध में प्रीमियम कैपिटल रिसर्च के खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ। इस मुकदमे के तारतम्य में मोहाली निवासी मनीष की शिकायत पर लगभग 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी के अपराध 4 लोगों के खिलाफ कायम किया गया था। उस अपराध में उस समय तत्कालीन हमारे जो समय की बात है उसमें उप निरीक्षक श्याम किशोर त्रिपाठी, एएसआई अमित दीक्षित व उनकी टीम के द्वारा भोपाल में जाके 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी गई थी। दो आरोपी श्रेय गांधी उर्फ रवि त्रिपाठी तथा संजय बजाज उर्फ सचिन चौहान फरार चल रहे थे। आज दिनांक को एएसआई अमित दीक्षित, सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर त्रिपाठी, जनकलाल व उनकी टीम के द्वारा आज ये सूचना मिली थी कि जो श्रेय गांधी है वह अपने नाना से मिलने आया जाया करता है और जब उनको सूचना मिली कि वह आज नाना से मिलने आ रहा है तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर श्रेय गांधी को पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार करके माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।